नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 24 जून, कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में हमने एक अच्छा खासा प्राइस मूव बनते हुए देखा। हमने देखा कॉटन जो 24,000 के ऊपर नहीं जा रहा था, इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करते हुए हमने 24,000 का लेवल तोड़ के 24,350 पे क्लोज होता हुआ देखा। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल था, 87 सेंट तक US कॉटन टच करता हुआ दिखाई दिया। कपास के अंदर भी हमने देखा कि सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल में हमने देखा कि ट्रॉपिकल स्ट्रॉम जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन इन सबको इम्पैक्ट कर सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि फर्स्ट टाइम 6 सालों के अंदर ऐसा हुआ है कि पंजाब में कॉटन का जो एकरेज है वो 3 लाख हेक्टर क्रॉस किया है। कॉटन सीड ऑयल के अंदर कल हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि 2920 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डेट डजंट मींस के मार्केट में मंदी है। आप समझ के चलिए कि आगे शॉर्टेजेस रहना है कंटिन्यू। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव काफी पॉजिटिव है। हो सकता है दिन के सेशन में गिरावट मिल जाए, बट वापस 2800-2850 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज का भी अगर सपोर्ट लेवल देखेंगे तो 2812 का है, तो आई थिंक 2840-50 तक भी मिले लेके चलिए। 2920 का लेवल तोड़ने पे 2970 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि नए सीजन का जो कॉटन है वो अक्टूबर में ही आना है, तो काफी लंबा समय है, सप्लाई एबिलिटी काफी कम रहेगी। और ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने कल की जो गिरावट देखी उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपने आप को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सारे फैक्टर हैं जो सपोर्ट दिखा रहा है, हमें लगता है कि आज का ट्रेंड भी पॉजिटिव रहेगा। चार्ट के लिए अगर देखें तो प्राइजेस अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। कॉटन जुलाई वायदा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि प्राइजेस अब 24,570 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। RSI पॉजिटिव है, वॉलिटिलिटी भी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। MACD पॉजिटिव है, वर्टेक्स पॉजिटिव है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मार्केट को देता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, और हो सकता है प्राइजेस में थोड़ा पुलबैक भी अगर आता है तो 2840-50 का ही लेवल आएगा। यहाँ से हमें लगता है कि प्राइजेस में एक अच्छा उछाल आएगा जो 3000 तक का भी लेवल दिखा दे, बट उसके लिए 2920 का लेवल तोड़कर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। RSI एज ऑफ नाउ 50 के नीचे, जो थोड़ा बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बट थोड़ा भी अगर पुलबैक आता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा बना हुआ है अभी भी, जैसे हम पहले बीच में देख रहे थे कि वॉल्यूम नहीं था, बट इस बार वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कंटिन्यू बना हुआ है। वॉलिटिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि मार्केट में जो बड़ी वॉलिटिलिटी के साथ गिरावट थी वो अब थमता हुआ नजर आएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन ड्रॉप आपकी स्ट्रेटेजी लेके चलिए। वहीं आइस कॉटन की बात करें तो प्राइजेस ने 87 सेंट का लेवल छुआ, थोड़ा पुलबैक दे सकता है, बट ओवरऑल 87.50 के लिए तैयार है, क्योंकि प्राइजेस 250 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो थोड़ा पुलबैक इंटरनेशनल में दिखा सकता है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। आज कॉटन सीड ऑयल केक आपको लेके काम करना है। 2850-60 तक भी अगर मिले तो लेके चलिए। 2920 का लेवल तोड़ने पे हम 2970 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।